हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों आज त्रैमासिक परीक्षा जो एमपी बोर्ड में चल रही है, आज के दिन जो जीव विज्ञान का पेपर था उसका जो भी ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसके आंसर फटाफट आप जल्दी से मिला लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है तो कितनी होती है। अलैंगिक जनन में केवल और केवल एक ही जनक भाग लेता है। दूसरा क्वेश्चन है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष है। तो देखिए जो भ्रूण कोष होता है पॉलीगोनम, यहाँ पे भ्रूण कोष है तो यहाँ पे आपको भ्रूण कोष बनाना है। तो देखिए जो पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूण कोष होता है, एम्ब्रियो साइक होता है, यह कैसा होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि हमने आपको क्या बताया था कि यह 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेली सनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। तो बेली सनेरिया में जल परागण होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे नारियल का जो नारियल पानी होता है वह क्या होता है। तो कच्चे नारियल का जो नारियल पानी होता है वह मुक्त केंद्रकीय भ्रूण पोष होता है। क्या होता है, मुक्त केंद्रकीय भ्रूण पोष होता है। अगला क्वेश्चन है, बीज का परिवर्धन या विकास किसके माध्यम से होता है या किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड से। निषेचन के बाद ओव्यूल या बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, पराग कोष के अंदर की भित्ति परत है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेपिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान यहाँ पे देखना है आपको कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवाहनी संपर्क बनाने वाली जो रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर एवं स्त्री के युग्मकों के संलयन की जो क्रिया होती है क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे तो कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 100 यानी कि 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से कितने ध्रुव कोशिकाएं बनती है। मतलब पोलर बॉडी यहां पे पूछा गया है, तो कितने पोलर बनती है, एक बार की यदि अंडाणु जनन की क्रिया होती है तो 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अगला रिक्त स्थान है कि शुक्राणु के बिंदी बिंदी भाग में माइटोकांड्रिया होता है, तो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है, माइटोकांड्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के कहाँ होती है, तो फैलोपियन नाल या आप अंडवाहिनी भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद सत्य असत्य आपको बताना है। तो द्विसंकर क्रॉस का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 9:9, 3:3, 1 होता है। तो ये सही बात है, द्विसंकर क्रॉस में अनुपात यही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है, तो यस ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है कि जो जीन विनिमय की क्रिया होती है ये पैकेटीन अवस्था में होती है, तो यस ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि जीन विनिमय की जो क्रिया होती है वो भी पैकेटीन अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण अपरा में होता है, तो यह सत्य है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण अपरा में नहीं होता है, अंडाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गर्भावस्था 270 दिनों की होती है, तो यस ये सही है, 270 से 280 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं, तो यह गलत है, 23 ऑटोसोम नहीं होते हैं, 22 जोड़े ही ऑटोसोम होते हैं। इसके बाद सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो देखिए आरंभन कोडान का क्या हो जाता है, जो एयूजी को होता है, एयूजी ही क्या कहलाता है, समारंभन या आरंभन कोडान कहलाता है। तो पहले का हो जाएगा यहां पे ई नंबर, एयूजी। दूसरा देखिए क्या दिया गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि जो 23वीं जोड़ी होती है उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 2A+ यहाँ पे डबल एक्स वाई हो जाएगा, ये दूसरे का हो जाएगा। तीसरा देखिए मोनोसोमी का मतलब क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी, तो यहाँ पे मोनोसोमी का हो जाएगा तीसरा नंबर का, ये सी नंबर। चौथा है समापन कोडान। समापन कोडान कौन कौन से कहलाते हैं, तो यूएजी, यूजीए और यूएए, ये क्या कहलाते हैं, समापन कोडान कहलाते हैं। फिर पाँचवा नंबर है क्या, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो माइस दी कॉलम भी आपको कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पे एक वाक्य में जो उत्तर दिए गए हैं इसको भी आपको मिला लेना है। तो देखिए ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, तो आपको बताना है 90% जो है ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक मृत जीवी जीव का नाम बताना है, तो मोनोट्रोपा क्या होता है, एक यह मृत जीवी पादप होता है। अगला क्वेश्चन है, तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड किस दिशा में होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडीनिन की प्रतिशत कितनी होगी, तो 32% होगी।
फिर पांचवा नंबर का क्वेश्चन है कि डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखना है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम बताना है तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद देखिए जो भी एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं दो नंबर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक संकर क्रॉस को परिभाषित करना है। इसके बाद अनुवांशिक कोड की विशेषताएं दिया गया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग दिया गया है। फिर ये क्रमशः आप दो दो नंबर के क्वेश्चन पूरे देख सकते हैं। अब शेषी अंग किसे कहते हैं, पोषण स्तर क्या होता है, स्वपरागण के लाभ हानि यहाँ पे पूछा गया है, भाषी फल किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो सभी के सभी जो है यहाँ पे इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। समवृत्ति अंग क्या है ये भी पूछा गया है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको आपको देख लेना है, सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसके बाद आप यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो कि पूछे गए हैं एमपी बोर्ड में आज के दिन। बायोलॉजी का जो ट्वेल्थ का पेपर है इसमें आप देख सकते हैं ये जो लॉन्ग क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं, पारिस्थितिक पिरामिड व इसके प्रकार पूछा गया है। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।